हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने सीबीएसई का पहला मॉड्यूल अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ रहा हूं। हमारा पहला टॉपिक जो आएगा, जो आज इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, वो होगा करंट क्या होती है और पोटेंशियल क्या होता है। वी कम टू इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में जब हम कहते हैं करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करने का मतलब है चार्ज का फ्लो करना। चार्ज एक बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, या सिंपली हम उसको चार्ज कह सकते हैं। तो जो बहुत बेसिक डेफिनेशन बनती है इसकी, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, और इसको हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो वी कैन राइट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो ये तो आपने करंट की डेफिनेशन देखी, तो इससे 1 एम्पियर का मीनिंग समझ लेना है। तो 1 एम्पियर वो करंट है जो 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रही है कंडक्टर में। किस सिचुएशन में? जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। मीन्स 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर वेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिस फॉर 1 सेकेंड। तो पहला पॉइंट आपने देखा डेफिनेशन ऑफ करंट, दूसरा पॉइंट देखा फॉर्मूला फॉर करंट, और तीसरा पॉइंट आया डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब हम लोग देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है और इसका इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या रिलेशनशिप है। नाउ वी डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ करंट एंड इट्स डायरेक्शन। You can see this is a conductor. This part we mentioned cross section of conductor. ये cross section of conductor है। देखिए ये current की direction जा रही है, दिखाई गई है, और ये electron की direction, दोनों opposite हैं। यहां पे mention किया गया है high potential और इस corner पे mention किया गया है low potential। Electron के respect में देखें तो यहां mention किया गया है more concentration of electron, यहां mention किया गया है less concentration of electron. Now we come to the point. Current always flows from higher potential to lower potential. Current हमेशा higher potential से lower potential की ओर चलती है, against the potential difference. Second point, direction of flow of current is always opposite to the direction of electron. आप देख सकते हैं diagram में, electron हमेशा more concentration और higher concentration से low concentration की ओर आ रहे हैं, और उनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट के फ्लो करने का एक एग्जांपल यहां मैंने मेंशन किया है। देखिए ये कंडक्टर में इस कॉर्नर पे लिखा गया 60 वोल्ट और इस कॉर्नर पे लिखा गया 80 वोल्ट। तो नेचुरली करंट हमेशा हायर पोटेंशियल डेट इज 80 वोल्ट से 60 वोल्ट की ओर आएगी, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 80 - 60 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो हम कहेंगे करंट इज फ्लोइंग अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? नाउ वी कम टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास थ्रू द कंडक्टर इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट। नाउ इन द कंडक्टर इन दिस क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग। तो हमने मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से निकल कर जा रहे हैं। कितने? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस सिचुएशन में? जब 1 एम्पियर की करंट या 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रही है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो टोटल चार्ज विल बी क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई, यहां पर E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q की जगह प्लेस कर दिया Ne को। तो I इज इक्वल टू Ne अपॉन टी और N इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन ई। अब इसकी वैल्यूज प्लेस कर दें, करंट की जगह 1 एम्पियर इन प्लेस ऑफ टाइम 1 सेकेंड, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इसको सॉल्व करके आता है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। कंक्लूजन इज
If the current of 1 ampere is flowing through a cross section for the 1 second, then 6.25 into 10 to the power 18 electron will pass through this. Instrument used for measuring the current is ammeter, and it is always connected in series with the circuit. Now we will discuss about potential. Potential is the work done in bringing the unit charge from infinity to a point on conductor. देखिए, चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं थ्रू द कंडक्टर, तो उसके लिए जो वर्क परफॉर्म करेंगे उसको पोटेंशियल कहते हैं, यानी हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी एनर्जीज। तो मैक्सिमम वर्क कब करेंगे? जब हम वर्ड यूज करेंगे इन्फिनिटी। तो यहां डेफिनेशन में हमेशा आप लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑन कंडक्टर। तो फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, डेट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, तो बनेगा 1 volt इज इक्वल टू 1 joule अपॉन 1 coulomb। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो डेफिनेशन बन जाएगी 1 volt की, 1 volt इज द पोटेंशियल इफ 1 joule ऑफ द वर्क इज डन इन मूविंग और ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज ऑफ 1 coulomb। एक टर्म और आती है पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हैं इस कंडक्टर में दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, एक जगह लिखा है V1 इज इक्वल टू 6 volt, दूसरी जगह लिखा हुआ है V2 इज इक्वल टू 8 volt। अगर हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं किसी कंडक्टर में, तो हम उसके दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो करंट नेचुरली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस शब्द आएगा। इसका मीनिंग है V2 माइनस V1, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी कैन प्लेस 8 volt माइनस 6 volt इज इक्वल टू 2 volt, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं, तो हम पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलते हैं, अदरवाइज हमारे सामने यह पोटेंशियल डिफरेंस टर्म आ जाती है। अब इसमें तीसरी चीज आ गई, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्ट मीटर। It is connected in parallel with the circuit. Ammeter was connected in series and the voltmeter is connected in parallel with the circuit. So, ये सारी चीजें थी current और potential के बारे में। Next module में हम लोग resistance के बारे में पढ़ेंगे, resistivity के बारे में पढ़ेंगे और Ohm's law के बारे में सीखेंगे। Thank you very much.